के बाहर जाकर कभी ठीक से लगे कपड़ों को फिर से अलमारी में लगाकर, जब चली जाऊंगी मैं ऐसे ही सब कुछ बिखेर कर, जब चली जाऊंगी मैं सब कुछ ऐसे ही बिखेर कर, शायद मेरी कद्र तुम्हें उस दिन समझ आएगी। नमस्ते, मेरा नाम है हेलो सिंगल। मैंने पहली बार कुछ लिखने की कोशिश करी है, उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आए। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी कद्र। मेरी कद्र तुम्हें उस दिन समझ आएगी, मेरी कद्र तुम्हें उस दिन समझ आएगी जिस दिन मैं तुम्हें भूलकर अपने आप में खो जाऊंगी। जिस दिन मैं तुम्हें भूलकर अपने आप में खो जाऊंगी उस दिन शायद तुम्हें मेरी कद्र समझ आएगी। कभी सोचते हो तुम कैसे बीतता होगा मेरा दिन, कभी सोचते हो तुम कैसे बीतता होगा मेरा दिन अकेले अकेले। कभी खिड़की के बाहर झांक कर, कभी ठीक से लगे कपड़ों को फिर से अलमारी में लगाकर, कभी खिड़की के बाहर जाकर कभी ठीक से लगे कपड़ों को फिर से अलमारी में लगाकर, जब चली जाऊंगी मैं ऐसे ही सब कुछ बिखेर कर, जब चली जाऊंगी मैं सब कुछ ऐसे ही बिखेर कर, शायद मेरी कद्र तुम्हें उस दिन समझ आएगी। पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब तुम आते हो, पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब तुम आते हो और फिर से खो जाते हो अपनी ही मोबाइल की दुनिया में, फिर से खो जाते हो अपनी ही मोबाइल की दुनिया में, और मैं चाय का कप रखकर बस तुम्हें देखती रहती हूँ, और मैं चाय का कप रखकर बस तुम्हें देखती रहती हूँ। किसी दिन ऐसा हो कि तुम और आओ और मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ, किसी दिन ऐसा हो तुम आओ और मैं तुम्हें नज़र ना आऊँ, उस दिन शायद एक कप प्याली चाय के लिए ही सही, उस दिन शायद एक कप चाय की प्याली के लिए सही, शायद तुम्हें मेरी कद्र समझ आएगी। कहीं ऐसा ना हो मैं छोड़ दूँ सब कुछ और जीने लगूँ सिर्फ अपने लिए, कहीं ऐसा ना हो मैं छोड़ दूँ सब कुछ और जीने लगूँ सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशियों को ढूँढ लूँ अपने अंदर की खूबियों में, अपने खुशियों को ढूँढ लूँ अपने अंदर की खूबियों में, जो ना जाने कहीं दब गई है, जो ना जाने कहीं दब गई है, और तुम तरसो मेरे ही वक्त के लिए, और तब तुम तरसो सिर्फ मेरे ही वक्त के लिए, और शायद तुम्हें उस दिन मेरी कद्र समझ आएगी, शायद तुम्हें मेरी कद्र उस दिन समझ आएगी जिस दिन मैं तुम्हें भूल कर अपने आप में खो जाऊँगी। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।